सनसनी ऑफ इंडिया। बाइक नंबर की मदद से दक्षिण पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ और थाना हजरत निजामुद्दीन की टीम ने जंगपुरा एक्सटेंशन की एक कोठी में काम करने वाली दो नौकरानियों के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर और डकैती के मामले को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे लूटे गए सामान में से करीब 90 लाख रुपए विदेशी मुद्रा सहित वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, क्लोरोफॉर्म, रस्सी, कटर, पंच, आरोपियों के कपड़े व 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपियों की पहचान सचित सक्सेना, प्रशांत वशिष्ठा, अनिकेत झा, धनंजय गुलिया और रमेश के तौर पर हुई। वारदात की पूरी योजना आरोपी सचित सक्सेना ने रची थी। आरोपी सचित 2 साल पहले कोठी में काम करने वाली पूर्व नौकरानी का भतीजा है। दक्षिण पूर्व जिला DCP ईशा पांडे ने बताया कि दिनांक 15 नवंबर 2021 को प्रातः लगभग 9:45 पर थाना हजरत निजामुद्दीन में एक PCR कॉल से एक सूचना प्राप्त हुई कि जंगपुरा एक्सटेंशन कोठी नंबर के 42 में दो नौकरानी बेहोश पड़ी हैं। कॉल पर आगे की कार्रवाई के लिए SI अमित मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा कि कोठी की पहली मंजिल के पीछे सर्वेंट क्वार्टर साइट पर एक नौकरानी बिस्तर पर मृत पड़ी है। पूछताछ के बाद उसकी पहचान 35 वर्षीय दार्जिलिंग निवासी मीना राय के रूप में हुई। उसके हाथ पैर प्लास्टिक की रस्सी से बंधे हुए थे और वो मुंह के बल लेटी हुई थी। उसके मुंह को सिल्वर कलर के टेप से टेप किया गया था और उसके मुंह से झाग भी आता दिख रहा था। साथ ही दूसरी मंजिल पर भी एक अन्य 40 वर्षीय घरेलू नौकरानी दार्जिलिंग निवासी सुजेला ड्राइंग रूम में मुंह के बल लेटी मृत पड़ी हुई थी। थाना हजरत निजामुद्दीन में FIR संख्या 307/21 IPC धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने वारदात स्थल को बारीकी से स्कैन कर सबूत खोजने शुरू किए। शवों को मेडिकल जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया गया। आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए DCP ईशा पांडे ने ACP ऑपरेशन मनोज कुमार की सुपरविजन में 2 टीमों का गठन किया। पहली टीम स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर ऐश्वीर सिंह के नेतृत्व में SI मनोज भास्कर, मंजूर आलम, हेड कांस्टेबल प्यारेलाल, कांस्टेबल विपिन, सोनू कुमार, प्रवेश, नवीन व CDR सेल से कांस्टेबल मनीष की व दूसरी टीम हजरत निजामुद्दीन थाना प्रभारी किशोर कुमार के नेतृत्व में मामले के जांच अधिकारी रामवीर शर्मा, SI अमित नागेंद्र, हेड कांस्टेबल नीरज, कांस्टेबल संजय व जगवीर की एक टीम बनाई गई। जांच टीमों ने वारदात स्थल के आसपास के मकानों, पार्क व मार्केट में लगे सभी CCTV कैमरों को खंगाला। कॉलोनी के सभी सुरक्षा गार्डों से सख्ती से पूछताछ की। CCTV फुटेज की जांच में वारदात स्थल के पास 5 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। कई CCTV फुटेज की बारीकी से जांच के बाद संदिग्ध व्यक्तियों का वारदात स्थल तक आने और जाने के रास्ते का पता लगाया गया। जांच टीम को एक CCTV फुटेज में घटना के बाद संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार पाए गए, लेकिन उस मोटरसाइकिल का नंबर स्पष्ट नहीं था। जांच टीम ने हिम्मत नहीं हारी और घटना स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों को वारदात वाले दिन से कुछ दिन पहले की CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया। वारदात से पहले के दर्जनों CCTV जांचने के बाद संदिग्ध ब्लैक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नंबर UP25DF6724 की पहचान हो गई। बाइक नंबर से पता चला कि बाइक बरेली निवासी सचित सक्सेना के नाम पर थी। जांच टीमों ने बाइक मालिक सचित सक्सेना की कुंडली को खंगाला तो पाया कि 2 साल पहले पीड़ित के घर में काम करने वाले पूर्व हाउस हेल्पर का भतीजा है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से मोटरसाइकिल के मालिक सचित सक्सेना को दबोच लिया गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी टूट गया और अपने दोस्तों प्रशांत वशिष्ठा, अनिकेत झा, धनंजय गुलिया और रमेश के साथ मिलकर डबल मर्डर और डकैती की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने बाकी 4 आरोपियों को भी दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि पीड़ित के घर में 2 साल पहले नौकरी करने वाली नौकरानी का भतीजा सचित सक्सेना से घर में हर समय बड़े पैमाने पर नकदी होने की सूचना पर घर लूटने की साजिश रची थी। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उन्होंने पिछले 1 महीने में कई बार कोठी की रेकी की थी। वारदात को अंजाम देने के लिए क्लोरोफॉर्म, टेप, कटर, पंच, रस्सी व मास्क आदि की पहले से ही व्यवस्था कर ली थी। आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सामान्य फोन कॉल के बजाय VOIP का इस्तेमाल किया और घटना के समय अपने मोबाइल फोन नहीं लिए। योजना के तहत वारदात वाले दिन के लिए आरोपियों ने अपना नाम अंक 1, 2, 3, 4 और 5 रखा हुआ था। आरोपियों ने आगे बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए करीब 10 बजे सभी लोग कोठी के बाहर जमा हो गए। उन्होंने पार्क के अंदर 3.5 घंटे तक इंतजार किया। दोपहर करीब 1:30 उनमें से 4 आरोपी सामने की दीवार फांदकर पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुए।
जब वे कमरे में दाखिल हुए तो घर की नौकरानी मीना राय जाग गई और सभी आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह को टेप से टेप कर दिया। जब वे ड्राइंग रूम में डकैती कर रहे थे तभी दूसरी नौकरानी सुजेला जाग गई। जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की उसे दबोचकर उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म भी डाला गया और फिर उसे तकिए से दबा दिया गया और घर में रखी विदेशी मुद्रा सहित 90 लाख लूटकर फरार हो गए। आरोपी सचिन सक्सेना बदायूं रोड बरेली का रहने वाला है और इसने 12वीं तक पढ़ाई की है। यही वारदात का मुख्य साजिशकर्ता था। इसने ही अपने बाकी साथियों को कोठी में बड़े पैमाने पर नकदी होने की जानकारी दी थी। आरोपी सचिन 2 साल पहले कोठी में काम करने वाली पूर्व नौकरानी का भतीजा है। 22 वर्षीय आरोपी प्रशांत वशिष्ठा पुत्र दीपचंद वशिष्ठा 10 चच लेन भोगल नई दिल्ली का रहने वाला है। इसने 12वीं तक पढ़ाई की है और बीमा क्षेत्र की निजी कंपनी में काम करता है। आरोपी अनिकेत झा पुत्र अमर कुमार झा पता 641 दूसरी मंजिल चिराग दिल्ली का रहने वाला है और इसने भी 12वीं तक पढ़ाई की है। आरोपी रमेश पुत्र ओम कुमार पता 1735 बी कोटला मुबारकपुर का रहने वाला है और इसने भी 12वीं तक पढ़ाई की है। आरोपी धनंजय गुलिया पुत्र जोगिंदर सिंह पता 465 चिराग दिल्ली का रहने वाला है और इसने भी 12वीं तक पढ़ाई की है। इनसे लूटे गए सामान में से करीब 90 लाख रुपए विदेशी मुद्रा सहित वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल क्लोरोफॉर्म रस्सी कटर पंच आरोपियों के कपड़े व 7 मोबाइल फोन बरामद हुए। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।